अच्छा स्टिकर्स भेजने वाले मेरे दोस्त जो है जी स्टिकर्स ना भेजे, बड़ी मेहरबानी होगी आपको माशाल्लाह। आप खुद ही इतने स्टिकर भेजने की क्या जरूरत है, डबल चिपक नहीं चाहिए भाई। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, इतना मैसेज पहुंच गया तो काफी है, वरना और करो क्या, मैसेज करो स्टिकर भेज दिया बस, इजी फिक्स। ये फेसबुक पर भी आ गया स्टिकर, अच्छी बनी पोस्ट लगी होती है, इतना बड़ा स्टिकर, आधी पोस्ट तो वही खा जाता है। गोरी तुम याद करो गोरी, भाई साहब ये भाई पानी पी के ऐसा हो गया, सोचो भाई को कोल्ड ड्रिंक पिलाई होती तो क्या होता, पानी पी के रुक कर रहे बंदा। कौन सा पानी भाई, कोई बताया किस तरह का पानी है। अच्छा जी, रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोगों की कई चीजें हैं जो कि हम अपनी तो नोटिस ही नहीं करते, दूसरों की नोटिस हो जाती है, कर लेते हैं हम लोग। उनमें से एक है तकिया कलाम, पैकवर्स जो हमारे होते हैं बिल्कुल लगे बदले। कुछ लोग जो है मतलब बात बात में मतलब लेकर आते हैं, मतलब ये कि मतलब ये हुआ, मतलब मतलब हाँ मतलब 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 ही होता रहता है। कुछ लोग क्या समझे, अरे ऐसा होता क्या समझे, मतलब बार बार वो तस्दीक भी कर रहे थे, वैलिडेट भी कर रहे होते बात को, क्या समझे कुछ नहीं भाई। अच्छा एक और साहब को मैं जानता हूँ, अच्छा उनका मुझे लगता है कि उनको घर में बहुत ज्यादा वो सप्रेस्ड फील करते होंगे, बिल्कुल दबा के रखा होगा। हमारा तो है ना दबा के आम का नहीं भाई, उस तरह से भी होता है, दबा के भी रखा जाता है, तो वो बात बात पे बंदा ना वो बात करके ना मैंने कहा भाई इसकी भड़ास नहीं निकली, बाहर आके निकालता है, बात बात है। खासतौर पे जब कोई ऐसी बात हो थोड़ी सी गुस्से वाले तो ये ओके ठीक है ठीक है, कहीं से तो निकल रहा है भाई जो हमें नजर आ रहा है, बाकी हो सकता है और भी वेज हो, लेकिन हूँ तो आज तो कोई आपका कोई पैकवर्ड है, कोई इस तरह से कोई लगा बना जुमला है, कोई रिपीटेशन या कोई अजीब सी आपने सुनी हो किसी से। हाँ कमल का साफ बात है, हालांकि कभी साफ बात नहीं हुई, साफ बात है भाई साफ बात। अच्छा कुछ लोग है ना अरे भाई तू स्टैंप ले ले, हमारे बनवा ले अपने आप से मोहर लगा ले, है ना हर चीज में लगा लो, है ना। अच्छा है ना काजल का रंग हुआ था। अब वो उस बंदे से रिलेशनशिप जो हूँ वाला था, वो बिजनेस वाले थे तो बड़ा एक रख रखाव भी होता है, अब हूँ पे मुझे बार बार हंसी आ रही, मैं फिर मुंह उधर फेर लो, दो दिन तो मुझको ये कैसे तारी रही, बात बात ऐसे खाना खाने गया, उसने बोला खा लाओ, उसने बोला लाता हूँ, अरे मैंने कहा तू भी, बोला हाँ हमने क्या कमी है कोई। आने दो आने दो आने दो, दानिश राजपूत के खालू मामू का तकिया कलाम है, बस इस तरह ही है, बस ऐसे ही है। राफे शेख दुनिया में अकेली रहेगी, यहाँ पर भी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल ली, तन्हाई का दुख हमसे शेयर किया, मतलब ये तो क्लोज फ्रेंड बता सकते हैं, मेरा तो कोई क्लोज फ्रेंड पर ही दुनिया में कोई नहीं है मेरा।
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है। जब नहीं है तो खामोश रहो। नहीं बताना जरूरी है। अकेले कोई भी नहीं ना। अकेले आज भी अकेला जा भी अकेला। तो बताने की जरूरत नहीं है। रुबीना शबीर कहते और सुनाओ। हाँ और सुनाओ, क्या है और सुनाओ। अच्छा इनको और सुनाओ, मतलब पूरी दास्तान आप इनको सुना दें, पूरी रात बैठ के फिर बोलेंगे सोने से पहले और सुनाओ। अबे सोता है कि नहीं जी। मुबारकबाद दीजिए, रुबीना शबीर ने नई डीपी लगाई है। आहा क्या डीपी लगाई, 15 फिल्टर लगा के अभी आके बोलेंगी, लपक के बोलेंगी। नहीं मैं तो नहीं लगाती फिल्टर, ऐसा पक्का वाला फिल्टर लगाया। ओए होए न टूटे न जान छूटे। जी हाँ अभी पलट के जवाब आए जाएंगे, ये रह नहीं सकते। ये नाक पे मक्खी का मकोड़ा भी नहीं बैठने। सचिव का तकिया गला में है ना, ये एक डेंटिस्ट है, डॉक्टर भी कह सकते हैं आप इनको। तो इनका है ना दान निकाल के मजा आया है ना, कैसा लगा? मैंने आपके दान भी निकाल लिया और आपसे पैसे भी ले लिया है ना। माम जा के भाई का ठंड प्रोग्राम जी, हर चीज में ठंड प्रोग्राम। अली सिर्फ कह रहे फीलिंग वेरी अलोन, मतलब मेरा शेडो भी धूप में एक ही बनता है। तो कितने शेडो चाहिए आपको भाई? सना रोधी का है ना, है ना, है ना, हाँ। मतलब हाँ उस पर मोहर समाप्त करनी होती है। हमारे साथ रहिएगा जी, चाय अपनी अपनी पीजिएगा, हमारे साथ रहिएगा। एडा तू सक्का। This is Wicked Wednesday. मेरा नाम आजहर, तो ये है FM 103 का नेटवर्क। संभाल कर रखिए, अभी थोड़ी देर में आपके जो पैटवर्ड सखिया कलाम पढ़ते हैं। Thank you.
ये तकिया कलाम पे बात हो रही है, तकिया कलाम कलाम सलाम कलाम कलाम बातचीत आपके नाम लेता हूँ। हमारे साथ है समीर गुलसिद्दीकी, टूटी हुई शायरी करने वाले जुड़े हुए आदमी। राफिया शेख हैं, सुमेरा हैं, उसके बाद अनाया हैं, कमल लदीम, जमल राजपूत, कौनैन फातमा, सना सिद्दीकी अहमद, यमुना छोटी मुनीर, सनम शरीफ, सना सिद्दीकी, आशी मुगल है, ये भी बहुत करती हैं। अच्छा, अनम सरवर हमारे साथ, रुकैया बिलाल है, माहम शाह है, इनके अब्बा का तकिया कलाम है, और की ना तेरा सैयद अहमदी, ये डियर से बाहर नहीं निकलेगी कभी भी। सबा रिजवान, अली सैयद, फैजी चौधरी, शमा शमा, गुलविश खान, आयजा फसी, सदर फैसल, अमारा ताहिर, और कौन कौन है, सोनी काशिफ, सोनी या सोनी क्या है, सुहेला मनिया भी हमारे साथ हैं। एम यूसुफ सिद्दीकी साहब वो भी हमारे साथ हैं, समरीन सिद्दीकी भी हैं, निदा जावेद है हमारे साथ, उजैर नायल खान है, महानूर अब्बासी है, अनाया अहमद हो गई, अच्छा तू सैयदा तूबा अक्रम, अक्सर मैं इनको इकराम पड़ जाता हूँ, माई यूसुफ हमारे साथ, मरियम अहमद खान, माही शाह, माही से चुप हो गई बेचारी, स्पीकर से मना किया, चुप हो गई वो, अस्मा अनवर, वालेकुम अस्सलाम, मनाहिल हनीफ, निमरा इस्माइल, सारा सलीम, चिड़चिड़ी लड़की, कुछ लोग हाँ याद है उनके भी नाम है हमारी तरफ से, राहत नजीर, कोई राहत वाली बात नहीं, रुकैया बिलाल, आराम से सुकून से नहीं लगेगा ये गाना, खत्म हो गए बात, अब आगे बढ़िए। काशिफ फरीदी साहब है मुल्तान से, दुआ सुहेल भी हमारे साथ हैं, फलवशा सदर फैसल, आपका नाम मैंने ले लिया, क्या हो गया है, तो इस चक्कर में लोग दो दो बार अपना नाम बुलवा लेते हैं, चालाकियां चेक करो, वैक्सीन नहीं लगवानी, बस चालाकियां करनी है, और चालाकियां कोई हमसे सीखे, हाँ हाँ हमसे मतलब हम लोगों से, हाँ भाई साहब, उस्ताद तीतर भी है, कौन सा वाला, अच्छा अब आ जाओ जरा, ये जो तुम्हारे तकिया कलाम है उनके साथ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, सॉन्ग चल रहा था तो फिर वो स्क्रॉल कर रहे थे मैसेजेस, आपको पता है मैसेजेस को पकड़ना बहुत मुश्किल है, और लोग अक्सर बुरा मान जाते हैं कि हमारा मैसेज रह गया, अच्छा अच्छा कमल लदीन, नबिया बदरुद्दीन कवाल और हम नवा भी आ चुकी है, अच्छा मैंने हाईलाइट किया ना कि लोग दो दो नाम ले लो, अब वो जानबूझ के कर रहे हैं, भेज रहे हैं, मुझे आइडिया है कि मैंने किस तरह लिया, मरियम अहमद खान ने दिल भेज दिया, हर्ष पाशा का नाम ले लें, अली शेर कह रहे हैं भाई तुम्हें कहाँ से याद आ गई, मैं तो भूल ही गया था, अभी वायरस पड़ जाएंगे उसको, हमारी सिर्फ अपने जुमले में ना बहुत ना, हमारी तो वो एक और लिसनर है ना, वो दुआ नहीं, दुआ तो नहीं, तो क्या नाम है, हम वफा मंसूर, अच्छा ना ये ना वो भी हाँ, और शो से पहले एक और आ जाए ना, आने को दिल नहीं करता, अनाया मत क्या जगह का नाम है जी, कोई हाल नहीं तुम्हारा, ओए ओए
मना है लूं कहते नहीं तो क्या कराऊंगे कि जी जाबे आवे भाई जाबे आवे तो जाहिर का ठीक सही वो नहीं है इनकी तकिया कलाम जो है ना वो इन्हीं की तरह के हैं जी बिल्कुल न्यूट्रल बहुत शुक्रिया समीर भाई बहुत शुक्रिया थैंक यू इतने जबरदस्त मैसेज करने के लिए अब जरा मुद्दे पे आए ना जरा थोड़ा ताकि पता लगे एमन का एक्चुअली इंग्लिश में सोचते हैं इंग्लिश हाँ इंग्लिश एक्चुअली हाँ इनफैक्ट एक्चुअली हमारा ताहिर का है मस्त ओके सैयद आदमी पूरा जिंदगी नाम लिया जी अभी लूंगा भी नहीं फिल्म ने तो नाम ले लिया तो भी अजीशान क्या हाल चाल है रजा अली नहीं नहीं किसी से नहीं भाई प्रिंस उमर ओके अब यार ये पढ़ नहीं सकता मुझे इसके बारे में नहीं कि ये क्या है इसका मतलब बताओ मुझे जी एनएम सर्वर क्या है समझ आई और कुछ लोग बता आई समझ आई बात समझ में का अब मैं क्या कहूँ हाँ ये हमेशा जो है स्पीच लेस हो जाती है फेरी हुसैन खान क्या नाम है आपका ये आपका रियल नेम है जी इनका तकिया कलम जेबीएच जो बात है आयजा फसी का आखिर भी आखिर हाँ दांत निकाल के कहती है आखिर दांत निकाला आपका मैंने या बोलेंगे आखिरी दांत था आखिर करके निकाला सईदा महिषा हाँ धोती है जी होती है ये आई ना आप देखें ये सब बनाची आ गए भाई लास्ट टाइम हमने किसी शो में जो है ना इनकी प्रमोशन की थी तो अभी तक दो कस्टमर हमारी तरफ से मिले इनको कंफर्म ज्यादा हो गए तो बताना भाई बाकी सब भाव ताव करके साइड से निकल लिए इसका मतलब ये हुआ कि भाई लेने वाले कुछ लोग होते हैं बाकी सब ऐसे शो चाहिए तो भी इसके अंदर ठीक है ठीक है ठीक है किसी और का भी है मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त Oh,
फीमेल वर्जन भी है फरमाइश सब प्ले करते आज सारे वर्जन प्ले करते ठीक है गुप्पा वर्जन भी है वो भी करेंगे Who
अच्छा जी, तो हम कहाँ थे? वैसे इस सॉन्ग ने हमें कहीं और डाल दिया। अच्छा पैट वर्ड्स भी बात हुई थी हमारी, तो बड़ा इंटरेस्टिंग पैट वर्ड है। अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी काम के लिए। बिजनेस लैंग्वेज अलग होती है, उसके बाद कैजुअल अलग होती है, जानू वाली लैंग्वेज तो बहुत ही अलग होती है। भाई फूको से काम चल रहा था, जानू जानू ठीक हुआ? हाँ हाँ बेहतरीन। अबे जिन्होंने MBBS करके इतने साल लग के पढ़ाई किया वो सब जाया? या जानू फूको से ठीक कर रहा है भाई? तुम तो हम वैसे भी अजरा तफन्नुन बोल रहे हैं, यानी कि अजरा कुकु कुकु जी जी बोल रहे हैं, वरना तो पता नहीं भाई आपको। हाँ आपको तो पता ही होगा। ऊंट वाले बाबा बन गया जानू। नतीजा क्या? सिर्फ अटेंशन चाहिए और कुछ नहीं। अच्छा कुछ लोग जानू से ना हर बात ऐसे लहक लहक के बता रहे होते हैं ना, जानू को नहीं बताया तो बात अधूरी है भाई। जिंदगी में कुछ हो नहीं सकता, तो जानू एक ही वक्त में जो है वो डॉक्टर का काम भी कर रहा था, हकीम का भी कर रहा था और होम्योपैथिक वाले का भी काम कर रहा था। सब चीजें उसके अंदर होती हैं। साथ में वो मॉरल पुलिसिंग भी करता है, उसके बाद करती है या करते हैं जो भी है। जानू मतलब दोनों हो सकते हैं। हाँ तो आप एक तरफ मत लेके जाइए इनको, साथ में जी जी वो अब मशवरे भी देते हैं सर। अच्छा वो तो हाँ वो उसमें आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको तरकीब बताती है घर वालों से कैसे बचना है, हंडिया जल जाए तो क्या करना है, बॉस से डांट पड़े तो क्या करना है। अच्छा सबकी डांट से बताओ, ओ उसने तुम्हें डांटा, ओ कितनी बुरी, मेरा बस चले तुम्हारे बॉस को। अच्छा और जो खुद डांटती है आप वो ढुलक के रख देती है, उसका क्या? वो तो मेरा राइट है, मैं राइट लेफ्ट दोनों मारते हैं आप। अच्छा रुबीना शुरू की ना जानू वर्ड इज सो सब, आप जरा आप बताइए कौन सा वर्ड है आपके पास, कौन सा वर्ड है? बाय, जिसको प्यार से लोग भाई बोलते हैं। ए भाई, ए भाई क्या हाल है? हाँ ठीक है भाई। फूको से चिराग बुझाया ना जाएगा। अच्छा माई साहब लाला रहीम भाई आपको हैप्पी बर्थडे, अगर मैंने ना पढ़ा तो ये रुकेगी लड़की। लाला रहीम भाई हैप्पी बर्थडे, लाला रहीम भाई, लाला ए लाला बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। कुछ लोगों का अगर ना पड़े तो वो भाई लाला रहीम आता रहेगा भाई, ये तीसरा चौथा मैसेज आ गया लाला रहीम का। मतला भाई अभी अभी मतला बस हो गया, लाला मतला। माही शाह को जो है ना अटैक हो गया इस वक्त, लाला रहीम चल रहा है बस। आपके पास भी अगर कोई लाला रहीम है तो निकालो उसको भी, ना उसकी बर्थडे विश करते हैं।
तो पढ़ तो दिया, और क्या पढ़े। इतना लाला रहीम जिंदगी में सुना जो अभी सुन लिया हमने। चलो अब बर्थडे विशेष आएंगे किसी की। नवंबर में बर्थडे, मतलब अभी काफी टाइम है। एडवांस में जी आप पब्लिक नहीं जोड़ते किसी को। मरियम की नीस की बर्थडे है, तहरीम, उनको शिंदी तहरीम हैप्पी बर्थडे। लाला रहीम को भी हैप्पी बर्थडे। सब लोग खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जी जी, और बताओ। महेश विश्वतीप की बेटी सालिहा की बर्थडे। हैप्पी बर्थडे सालिहा। अच्छा, अभी लोग सब लोग खामोश रहते। ये चाचा रहीम लाला रहीम की जेलसी में आए सब लोग। देख रहे हो हमारी सही, लाला रहीम के टक्कर पे आए लोग, ताकि लाला रहीम को पीछे छोड़ सकते, लेकिन लाला रहीम पीछे नहीं छोड़ सकते। लो अली सैद के कबूतर की बर्थडे। भाई साहब, माशा करें, लव यू लाला, बहुत शुक्रिया। मतलब ये तो मुझे, मैं क्यों कह रहा हूँ, मेरा तो नाम लाला नहीं। लाला भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। लाला भाई कोई गलती हुई हमसे बता दे आप। राफे शेख की ताया की बर्थडे। जी ताया जी, जी हैप्पी बर्थडे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज हमारे स्टूडियो इंजीनियर कराची वाले की भी बर्थडे है, लाहौर वाले की भी, फैसलाबाद वाले की, मुल्तान वाले की, इस्लाम सबको हैप्पी बर्थडे भाई सबको। एक मिनट, पड़ोसी की जगह बोलता हूँ। हेलो हेलो, अरे अभी नहीं, पड़ोसी को बोल दे मैंने। मान साहब की नेबर्स की बिल्ली की बर्थडे। जी हैप्पी बर्थडे बिल्ली, हेलो। अबे यार ये क्या हो रहा है जिंदगी में, बिल्ली। लाला भाई हम नहीं है, ये लोग है। मैं नहीं भाई, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं चलिए आजा मकसी को।
बतूल खान के तोते के बच्चों के बर्थडे हैप्पी बर्थडे टियो 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 जी आज का टॉपिक है हैप्पी बर्थडे। जब तारीफ लिखी जाएगी तो पूछ जाएगा शुरू कहाँ से, तो वो शुरू हुआ था रहीम लाला से। रहीम लाला तो साइड में होगा, बाकी लोग साइड में नहीं हो रहे। अभी हमारी बुशरा एहतिशाम हुए साहब। बुशरा इसमें कहने की बात नहीं, वी आर फैमिली। सो आप खुश रहें, भली चंगी रहे और आपको अल्लाह ताला हिम्मत दे, सब्र दे, और ये हम सब के साथ है, किसी एक के साथ नहीं है। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है इस चीज की, एंड बाकी सबके लिए भी दुआएं थी। भाई किसी और के बर्थडे हुए तो बता दो यार। आओ कपड़े ले ले नी बाजी तू ले नी जारा ले मारे या ले ले से पहले ही सुनो जी है लो जी को भी अगर लो जी पैसे लगे को जी ले लो जी आगरा पूं मेरे मेरे या मेरे मेरे सा। तो कौन कौन मैक्सिको जाना चाहता है? अच्छा आपको बताना चाहिए कि जो नेटिव हैं वो मैक्सिको नहीं बोलते, वो मेक्सिको बोलते हैं, मेक्सिको। जिस तरह से स्पेनिश में अक्सर जे जो है वो साइलेंट होता है, बताया था ना आपने, किसी लड़की ने हा हा लिखा भेजा था, वो जा लिखा हुआ था। मैंने कहा ये तो शुरू होने से पहले खत्म हो गई कहानी, बाद में बचा ना ये हा हा मतलब हंसी है। अच्छा अच्छा, अब लगेगी आग, उठेगा धुआं, वारिस ने सर उठाया, ऐसे फन मारी, इसकी बात हुई नहीं। नहीं मैं तो ऐसे बात करता, इसी तरह से जलपिनो एलपिनो पंजाबी में अली सिद्ध कह रहे हैं, कहते हैं मक्सिको
मक्सी को हमारे पंजाबी लैंग्वेज में आदि जिसने खा जाते हैं। लेकिन हमारी सारी जबानें बहुत प्यारी बहुत जबरदस्त और अपनी जबानें बोलनी चाहिए। लेकिन मजे की बात ये पता है क्या, लाख कोई और बोले झगड़ा अपनी जबान में करते हैं। जी मैं कल गई थी रिक्शे पर, रिक्शा बड़ा अच्छा तेज चल रहा था ना, बस मैं की करा टूट पाया ना रिक्शे को तेज लाया। अच्छा अच्छा अनंत सब की भी नेक्स्ट मंथ बर्थडे आई और किसकी आई तो गुस्सा जो है वो अपनी जबान में निकलता है और ऐसा निकलता है। बट आप अगर किसी की अपनी जबान असली से जानना चाहते हैं उसे थोड़ा गुस्सा दिला दे, थोड़ा सा बैकफायर हो सकता है लेकिन जी क्योंकि इसमें थोड़ा सा देखिए मैंने कितना बार बोला थोड़ा सा ज्यादा ना हो जाए। हमारे देसी जो बाहर बसते हैं वो भी जो है घोड़े को करना ना अपनी दीदी जबान में उसको कहता एड्डा तू गोरा अच्छा पैसे 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 पैसा पैसा क्यों करते हो? ये हमें अनमन सर्वर ने बोला है। आनंद सर्वर ने कि ये वाला टॉपिक रखे तो हम रख रहे हैं। जी हाँ पर रख के भूल जाए तो हाँ आई नोट से बैठ जो क्लिन चलेगा। तो पैसों की बात करते पैसों की हमारे हम जा ये सियासी सीन हो जाएगा। ऐसा फिर ओहो ग्रीन ब्रो बहुत बार पंजाबी में जवाब दिया है गोरो को। हाँ अब स्वीडन में रहती हूँ तो स्वीडन में तो फिर स्वीडन में स्वीडन वाले मशहूर हैं अपनी कॉफी के लिए कॉफी और काफी मजे की होती है कई तरह की होती है और ये कोई ट्रेडिशन में है इनके। तो अगर आप फ्री भी पीना चाहें तो पी सकते हैं, थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ी मांगने वाली तबीयत बाहर निकालनी पड़ेगी। जो अक्सर हम लोग यहाँ करते हैं ना दोस्तों से मांग रहे होते हैं यार ये दे देना जरा, कुछ लोगों की आदत होती है आपके पास कोई भी चीज होगी ना फौरन मांग लेंगे यार दो ना जरा दो मैं पहन के जाना। ज्वेलरी हो खवातीन खवातीन बता सकती हैं उनके जो बैग हो कपड़े इवन जूते और उसमें जो है जालिम पंजा डाल के उसको फाड़ के दे देते हैं वो लोग। मतलब किसी की चीज आप यूज कर रहे हो और यूज कर रहे हैं यूज क्या अब यूज कर रहे हो उसको एंड आप में इतनी कर्टेसी भी नहीं है कि उसको साफ सुथरा करके या कोई अगर सूट लिया तो ड्राई क्लीन करके दे दो, बाकी कोई चीज दी है तो उस तरह से दे दो। लोग गाड़ियां ले जाते हैं पेट्रोल की टैंकी खाली करा के ले जाते हैं। वैसे ये मांगने वाली तबीयत जो है इस तरह से ये जो अंदर से निकलती है ये किस किस की है किस किस को चेक किया आपने? आप में से किसकी है? किसी की नहीं होगी। हालांकि ईशा पनाची से अक्सर लोग जो ना मुफ्त में सूट मांगते हुए देखे हो गए हैं। भाई दे देना सूट भाई मैं बहुत बीमार हूँ गुर्दे में 3 पथरियां कसम से डॉक्टर ने बोला 6 महीने के बाद बस बस क्या बोला 6 महीने बाद खुद ही निकल जाएंगे। अच्छा अगर बंदा बस ना पूछे तो बोलेंगे 3 महीने के बाद फिर 6 महीने बाद
नहीं नहीं हाँ भाई ये देखो सुन देते यार कसम से तीन महीने हो गए छोटा गोश्त बड़ा समझ के खाया बल्कि बड़ा छोटा समझ के खाया उल्टा हो गया कोई बात नहीं मेरे वाले सिर्फ मछली के पर्दे थे मेरे पास आगे वाला साइड होती सिचुएशन ऐसी क्रिएट करेंगे अगला बंदा बोलता है हाँ यार इसकी प्रॉब्लम मुझसे ज्यादा है तू जान छोड़ो भाई तू ले जा हबीबी ताल 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 हबीबी मेरा नाम है कोई है आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसा मांगू तांगू हुआ तो आरसी करेंगे Thank you.
अच्छा जी, तो बात हो रही है मांगने टांगने वाली चीजों की। ये जो लोग चीजें मांग के और हर चीज जो है वो मांग लेते हैं, जैसे कवला जी बताया उनकी भाभी जो है हर चीज मांग लेती, और फिर इवेंचुअली क्या होता है अगर क्लोज रिलेशनशिप है तो आप वो चीजें छुपाने लग जाते हैं यार, कि भाई अब फिर इसने मांग लेनी है, हद होती है मतलब किसी बात की भी। काशी फरीदी कहते हैं जब हमारे लीडर्स हर वक्त मांगते रहते तो नेशन पर, जी भाई साहब मांगना बेहतर है चुराने के, क्या ख्याल है? अच्छा उसके बाद ठीक है, आज ये कहते भैया खानदान में कोई बाहर से आ रहा तो अब नहीं बताते वरना खानदान की लिस्ट बन जाती है। जी ऐसा ही है, मेरे एक कजन है वो कभी मैसेज नहीं करेंगे, उनको पड़ जाएगी होना कि मैं आ रहा हूँ उसके बाद आएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, फूलों की तरह मुस्कुराएं, खुशबू की तरह गुनगुनाएं, उसके बाद अच्छा कर आपका दिन बहुत अच्छा हो बेहतरीन, आप अच्छा वाला खाना खाएं, ओए हो इतनी दुआएं, ममता भरे मैसेज आना शुरू होते मैं समझ जाता हूँ कि हो गया। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद आप मैसेज वॉइस नोट आता, अस्सलाम वालेकुम भाई क्या हाल है, सब खैरियत होगी भाई, वो पुराना जो मोबाइल आपने दिया था ना, अब उसको पुराना कह रहे हैं, अभी वो जो 6 महीने पहले दिया पुराना मोबाइल भाई, अभी वो उसकी जो ना स्क्रीन साइड से टूट गए भाई, नंबर आधा नजर आता है, किसी का मिलाता हूँ मिल किसी का जाता है, बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है भाई, जवान आदमी भाई एक मोबाइल लेकर आता, अरे भाई मैं तो टिश्यू पेपर ये देखे ऐसे उठाता हूँ, एक मिनट आपको साफ करता हूँ फिर मैसेज करता हूँ भाई, कोई बात नहीं लेके आऊंगा। अली सर कह रहे उसका नंबर आउट कर दे ताने में, भाई साहब फैमिली में कौन संभालेगा, आपको बताया ना फैमिली वालों से पंगा कितना मुश्किल होता है, कितना मसला होता है। ये तो शुक्र है कि अब वो जो है मोबाइल लॉक हो जाते हैं, वो कुछ मसला होता है उसको पैसे देके खुलवाना पड़ता है, तो अब मुफ्त जो है ना थोड़ा सा सोचने मजबूर है ना, पैसे देने पड़ेंगे, मैं नहीं खुलवा रहा, तो तब जाके कुछ जान छूटी है। फरमाइश है कैसे आ रही भाई, सुना है ऑलिव ऑयल बड़ा अच्छा होता है, वो ऑयल ऑलिव ऑयल का, अबे क्या सूटकेस में तेल भर के रहा हूँ तेरे लिए, कनस्तर डाल दूँ उसमें भाई ऑलिव, अबे तू करना है कहते ना कुछ भी कर ले फर्क नहीं पड़ना भाई, ऑलिव ऑयल चाहिए, पाकिस्तान से नहीं मिलता वहां से ले ले भाई। अच्छा उसके बाद अगर वो फोन उनकी गलती से खराब हो जाए तो वो भी आपकी जिम्मेदारी होती है भाई, आपने चीज दी थी खराब हो गई, फोन इतना खराब हो गया या चीज खराब हुई, मतलब उसकी जिम्मेदारी नहीं है यार, आपकी यूज पर डिपेंड करता है आपने किस तरह से यूज किया से, उसकी जिम्मेदारी भी आप डाल देंगे और ये कहेंगे कि आपने जो है ना वो खराब वाला लेके दिया उनको। शौकीन तेल मंगवा रहे हैं उसे, हमारा अपना तेल निकल गया मेहनत कर करके। अच्छा एक और ईशा ने सही चीज याद लाई, एक और चीज बड़ी अजीब, हालियात हालियात मत जाना, नहीं नहीं मैं बजरी भर के जाऊंगा था ना, खाली हाथ नहीं जा रहे भाई, हालियात मत जाना। वैसे एक बात है कि किसी के घर अगर आप जाते हैं मिलने के लिए ना मुंह उठा के ऐसे, हाँ तो कुछ लेके जाकर, कुछ लोग सस्ती सी बेकरी से ना पुराने वाले पेटीज लेके जाते हैं, खाएं खाएं, बेकरी वाला खुद निकालने के चक्कर में होता है, आप लोग ले जाते हैं, हाँ दो एक्स्ट्रा फ्री मिलते हैं उसमें।
एमन के लिए मेरी कजन ने एक बटर मंगवाया था किसी ब्रांड का नाम लिखा है उन्होंने, और अब दुबई से मक्खन मंगवा रहे हैं। सर पाकिस्तान बल्ले बल्ले भाई डेयरी प्रोडक्ट्स में, बाकी चीजों में नहीं, बाहर से मंगाना एकदम। ये बाहर की चीज इस्तेमाल करने का हमें बड़ा शौक होता है, और जो चीज हमारे पास ऐसी होती है तो वो फौरन वजह से कवर लेती हूँ। आजकल सबको दिखा रही आईफोन, देखो भाई बाहर से लाए, और भले बाहर से फ्ली मार्केट से लेके आए हो, बाहर से लाए, बाहर से लाए, बाहर से बाहर की चीजें होती है तो हाँ, पता नहीं बाहर क्या क्या होता है। चलो जी आतिफ असलम। भी कम नहीं, अक्सर जानू का फोन छुपा देते हैं, हाँ बैटरी निकाल देते हैं जानू की, नहीं फोन की। अच्छा जानू की बैटरी तो अपनी जगह मौजूद है माशाल्लाह, बेहतरीन है, एक लीटर में 75 किलोमीटर ऐसे जाता है। अच्छा अच्छा आई है सारे शहर को आई।
अली सैयद को सिंगर याद नहीं आया, महविश सैयद याद आई। जी हाँ, इसे कहते हैं ठरक और ठंडी सड़क। माया निका जया, तो किसने कहा था बच्चों से प्यार करो? माया निका जया तो कभी ना भुलाना, अच्छा रहे तू ससुराल में भी, गम को गले ना लगाना, ओ जहरीली। अच्छा वैसे हमारे यहाँ जो है ना, ये जानू को खास तौर पर पाला जाता है भाई, पाल पोस के बड़ा कहते हैं। ये पालना ठीक है, पोसना पता नहीं क्या होता है। हम जो है पाल पोस के बड़ा, हाँ एक तो अम्मा बा पालते ना, एक जानू पाल रहा होता है, क्योंकि उसके दुख गम हर चीज में घुस जाता है। वैसे कहने वाले सही कहते हैं, जो माँ से बढ़ के चाहे उसका नाम है फप्पे कुटनी, चाहिए कोई भी करे। अरे जालू तुम्हारे बाप इतना काम मत किया करो, पसीने आ जा रहा था, हमने बड़ा पूरा पी लोते रहे। बस भाई बस बस बस, उसके घर वाले हैं उसका ख्याल रखने के लिए, जिन्होंने पैदा किया है, जिनका बच्चा है या बच्ची है वो सब ख्याल रखते हैं। एड डे तुझी आ गए हिमायती बन के। ये ब्रेकअप के बाद जो ना ब्रेकअप उसी की बुराइयां करोगे। हाँ वो तो बेवफाती बस आ गए ना बाबा, बस एक ही जवाब है आपका बेवफा, उसके बाद ये कह के आप तो आगे निकल जाएंगे किसी अगले शिकार की तलाश में। आपको ब्रेकअप स्टोरी में जो एक बंदा मिला होता है, जो जिससे आपके बात दोनों से बहुत कम होती है आपके बात, वो फ्रेंड सर्कल में तो अलग बात है, वहाँ जो मिला था बस वो उसी पर सारे जुल्म हुए होते हैं। जो उसने जुल्म किए होते हैं वो नहीं बताता, नहीं नहीं वो कहाँ से बताएं। भले से उस लड़की की उसने जान खा ली हो, लेकिन नहीं फटी हुई बनियान पहन के फटी। निकल नफ्सियाती निकल, नफ्सियाती बड़े हो जाते हैं लोग। मतलब अजीब और गरीब बात है सर, जानू बस ख्वाब में देखा मुझे चिंगारे नजारा फौरन तुम्हारा ख्याल है। अब चिंगारे सवेरा कहता लोग तो मैं चिंगारे लगता हूँ, नहीं जानू बस थोड़े से ऐसे ही। अच्छा अच्छा, शादी वाला सॉन्ग खत्म हो, माया को पाल पोस के बड़ा किया, फिर माया उड़ गया। जी हाँ आओ अब उड़ चले। पैसों वाली बात तो भूल गए, मैं भी ना इसमें भी ना।
नमकीन गिटार जी दुबई में रिकॉर्ड हुआ है, पता है आपको? हमें सब पता होता है, अपना पता है ना, भाग्य सबको पता है जी। अच्छा हमारे यहाँ चूना भी लगाया जाता है और चूरन भी बेचा जाता है। एक जो नौजवानों को चूना लगाया गया ना वो ये था कि छू लेंगे आसमान। अब पता नहीं क्या समझा लोगों ने, पता नहीं छू लेंगे आसमान लोग जो ना ख्वाबों में, हम तो आसमान छूने के लिए पैदा हुए। और फिर जब इंटर्नशिप करनी पड़ी और दूध दही के भाव पता चले तो फिर अच्छा भाई आसमान का नहीं, पहले जमीन के हालात निकाले, आसमान में बाद में जाएंगे। हाँ अब वो आसमान छूने वाला जानू जो है वो फूके मार के मर्ज ठीक कर रहे हैं। सोच क्या थी, पहुंचे कहाँ पर? जानू फूक मारो। हाँ जानू पहले आसमान को छू गया था, उसके बाद मारूंगा, अच्छी फूक पड़ेगी। प्ले योर रिमिक्स करेंगे एंड से पहले। छूले के आसमां करते करते जानू को फूके मारने तक का सफर जो है बड़ा पेनफुल होता है दोस्तों। किसी भी आप किसी को तो यार यूथ पे गाना बना, हाँ उसमें छूले के आसमां जरूर होगा, भले बेचारा भाई रक्षों में फिर रहा हो, छू लेंगे आसमान भाई सीधा भाई, आज से नीचे बात ही नहीं करनी, ये हिट जाएगा। जिस तरह से गाना हिट कराना हो, अपने दुखी गाना बनाना हो, याद अकेला तन्हा जुदाई मार गई छोड़ गई तन्हापन अकेलापन पन पन जी, इसके लिए ये वर्ड्स बहुत जरूरी है, इसीलिए हाँ इसी तरह से इस पे छू लेंगे आसमान। आसमान छूना है, अम्मा अब्बा के पांव छुओ, देखो फिर होता क्या है। जी हाँ बहुत सारे लोगों को ये बात दकियानूसी लगती है, जाओ जाके जानू के पांव छुओ, जाओ मेले पांव छुओ। बात करते हैं अबे उस आदमी की रूह मेरे में कहाँ गई? Oh,
जी अब इस गाने की कुछ करूंगी मामा कह रहे आप गाना खुद ही लगा दे फिर खुद ही उसकी क्या ये भी हुनर किसी किसी को आता वो उड़ चलेंगे अलग था वो छूलेंगे आसमान अलग था हाँ समझ गया हाँ वो अलग था वो प्यार में उड़ रहे हैं वो छूलेंगे आसमान अकेले उड़ रहे हैं रॉकेट की तरह हाँ तो पैसों की हम बात कर रहे थे तो अनम सर्वर ने हमसे कहा था जरा पूछे ये पूछिए कि आपके जो जो भी आपकी आप सैलरीड पर्सन है या आप बिजनेस करते हैं या पॉकेट मनी लेते हैं घर वालों से तो किस तरह से आपके पैसे खर्च होते हैं कहाँ कहाँ ज्यादा पैसे खर्च करते हैं आप या मोस्टली पैसे कहाँ खर्च होते हैं आपके यही पूछा था आपने है ना कितने प्यार से पापा जी कुछ सॉन्ग्स हैं जो कि अपलोड नहीं हो सकते या हैप्पी राइड का शो हैप्पी राइड भाई बहुत खतरनाक चीज है हैप्पी राइड हिना मलिक वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है गुलबिश्ता कैसे हैं आप और है सबसे प्यार से बात करो देखो मोहब्बत से प्यार से दुआ सर कैसे आप खैरियत से हाँ हाँ बहुत शुक्रिया थैंक यू वाह वाह आपने मैसेज किया उदय नाल भाई वाह वाह बेहतरीन आदमी सुमेर अली पर्यट अच्छा उसका बीच में एक जरूर आता कांटा अच्छा उसके बाद जी हाँ मछली बगैर कांटे के अच्छी बात नहीं होती सही नहीं होती अच्छा हाँ नहीं हुसैन वाह आपकी आजकल कोई वो नहीं कर रहा सिफारिश सही रहा मानिशा इस सॉन्ग को अपलोड जी मैं अपलोड इसको डाउनलोड करते हैं सही रहा तू अक्रम वाकई वाह कुरैन फातिमा कैसी बात हमारे बाबुल वाह स्टोर पे मौजूद है ह्यूस्टन टेक्सास में काम चल रहा है काम भी चल रहे हैं इनके उसके बाद फैसल अली भाई कैसे हो सनम शरीफ वाह दूर रहिए उसके बाद ऋषभ बनासी जी याद है सब हमें ये वापस आ रहे हैं फैरी हुसैन खान वाह उसके बाद जमल राजपूत पता नहीं क्या चीज है ये निमरा इस्माइल हाँ सैयद अली फिल भाई अनाया अहमद और डोंट अनॉय मी जी हाँ उसके बाद सारा सलीम चिड़चिड़ापन अनम सरवर वाह सईदा मायशा यूट्यूब लिंक दे जी मैं बैठा हूँ ये लिंक लेके बैठा हूँ हाथ में पकड़ के बैठा हूँ आपको फौरन में दे दूंगा उसके बाद अली सईद भाई है जी हाँ इसमें इनमें बहुत सारी कमियां होंगी खामियां होंगी लेकिन एक चीज की कमी नहीं है वो है समझ तो गए मेरा तो ये हमारा बीवा भाई बड़ा अच्छा बच्चा है ये बहुत अच्छा बच्चा बस कभी कभी बहक जाते हैं आसमान छूने के चक्कर में गाड़ी का बम्पर छू लेते हैं तो ये कहते हैं डेली एग्स एंड मिल्क एंड वेजिटेबल बस तो ये आप अपने लिए यूज करते हैं मतलब या रेस्टोरेंट के लिए लेते हैं भाई मारी यूसुफ कहती है जी मारी यूसुफ आई है मेहती जी हाँ ये क्या नाम है उसके मैं तो शहर भूल जाता हूँ रायगानी वाला फ्लोरेंस जी फ्लोरेंस की गलियों में कमल लदीन जी हाँ भाई ने आईफोन 8 दिया है इनको चूना लगा के चले गए पता भी चला ये पूरे मोहल्ले में दिखाती जरा भाई है अबे अंदर उसमें चाइनीज सॉफ्टवेयर है ऐसा बेहतरीन चलता है रुक रुक के नबिया बदरुद्दीन आई हमारे साथ नबिया कैसी हैं आप खैरियत हैं जी कितने प्यार से बात करूं आपके बाबा अमन किरण मुझे समझ नहीं आता कहाँ पैसे कट गए जी जी जरूर आप इमली लिया करें अच्छी होती है उस पर पैसे खर्च करें इन्वेस्टमेंट करें मानो रबासी वाह सोहेला मनिया जी ये पेस्ट्रीज केक और बिस्किट बनाती हैं देख के लेना बासी भी हो सकते हैं लेकिन ताजे ज्यादा लगते हैं तस्वीर में यही कहती आज घर पे हूँ आगा बोल ठीक है यमुना कहते हैं पहली बार ये बात तो कैसे फड़की है पब्लिक तोबा तोबा प्यार वाली बात प्यार प्यार पे तो पब्लिक ऐसे फड़क जाती है मैं अभी जानू की बात करूँगा ना मक्खियों की तरह आ जाएंगे जानू कोई काम की बात करो ऐसे सब लोग को खामोशी से दो चार मैसेज आएंगे हाँ भाई ठीक है आपने सही किया हाँ भाई ठीक है हाँ जवेरिया हुसैन शायाना खान माशाल्लाह कितने अच्छे नाम है शायाना खान सुन के दिल खुश होता है
देख के नहीं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अबे यार मैं कमेंट करने से बाज नहीं आता हूँ, जरा जी माफी का खासदार हूँ, दरखास्त आप लोगों से। सही दैनी बाबा चटोरी लड़की इसे पैसे शो कहाँ आप लोग करते हैं जी? ये बात अच्छे अच्छे सवाल आपने पूछा। ये पानी की टैंकी के ऊपर अपलोड ऐसा करते हैं हम लोग क्या? कुछ भी मतलब कुछ भी। आज फसी हमारे साथ है स्वीडन से, स्टॉकहोम टू बी वेरी स्पेसिफिक। जी स्टॉकहोम में 3 नंबर गली है ना, जहाँ पे आगे गड़ा पड़ा हो ना, उससे सीधे आप मुड़ेंगे, एक पोल आएगा, हाँ पोल के पास लिखा हुआ दंडान सास, बड़ा बड़ा दांत बने हुए हाथी के, आधे इंसान बैठे थे। अनम सर कहती आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई मनी इन मंचिंग एंड कॉस्मेटिक्स। अच्छा अच्छा मतलब बेचारे कितनी मिनटें करें, हम ही उठाएंगे पहला कदम, तुम बस गीला उठा दो, ये गीला करना खत्म करो। लेकिन नहीं भाई नहीं, जब तक जानू फूके नहीं मारेगा कुछ खत्म नहीं होगा जिंदगी में। आहा मजे का गाना, हीरा मानी ने गाया, बहुत खूब। ऑटो ट्रांसलेट मैंने खुद किया है, मजे लो उसके भी। Yeah.
ब्यूटीफुल दैट वॉज हीरा मनी और ऑफकोर्स हीरा मनी मल्टी टैलेंटेड है और अदाकारी भी उनकी बहुत जबरदस्त है, गुलकारी भी अच्छी है, होस्ट भी है. लेकिन एक क्रेडिट हमें मानी को भी देना पड़ेगा कि जिन्होंने इनको इनकरेज किया हमेशा आगे लेकर आए. सो थम्स अप फॉर बोथ. बाय द वे मानी मेरे पड़ोसी भी थे. जी हम अड़ोस पड़ोस में, अड़ोस पड़ोस है, पड़ोसी क्या हाल है, क्या पकाई दाल अच्छे. कहीं मैंने हिंट तो नहीं दे दिया. जी हमारा मोहल्ला बहुत टैलेंटेड है, ऐसा मोहल्ला भाव. मजे के दिन, मजे के दिन, मजे के दिन, बहुत जबरदस्त. क्या बात है. यार वक्त गुजर गया, पता ही चला है ना, है ना. ये जानू जब भी आता वक्त खा जाता. इसका काम ही और काम क्या है, वक्त बर्बाद. बाबा मारिया के पैसे बुक्स चिज्जी चिज्जी बड़ी खाती है, मेडिसिन भी जाती है. अच्छा अच्छा अल्लाह खैर करे.
के साथ रंगे कल कल आकन दिल तेरे मंगे कंगना तेरा सच बोलदा उसने दिए सरकार कंगना तेरा सच बोलदा साम के रकम तैयार ओ कंगना तेरा ने सानू करे इशारे ओ कंगना तेरा ने सानू करे इशारे कंगन भी बदमाश है भाई इशारे कर रहे बाजी नशियाती राबते में जी छूले की आत्मा हो गया इसके लिए हम माजत बिल्कुल नहीं चाहेंगे हमारा कोई कसूर ही नहीं है सॉरी कंगना तेरा सच बोल दाम के रकम तैयार कंगना तेरा किसी के लगता है जानू ने फूंक मारी हो वाह एड्डा तू जानू तो चलते हम यहाँ तक पहुँच गए कि शो के अख्ताम का वक्त आ गया जी और अब हम आपसे इजाजत चाहेंगे इंशाल्लाह कल फिर आपसे मिलते हैं कितने प्यार से बात करो अच्छा कर तो जी जी दोस्तों प्यारे दोस्तों प्यारे कुछ बाबा जी दोस्तों कैसे हैं आप लोग अब पूछ रहा हूँ पहले पूछे जी हमारे जो था तमाम साथी जी तमाम सेंटर पे जी ऐसे ऐसे लोग हैं बेहतरीन होते नहीं जागते रहते तो आप सबका शुक्रिया आपने शो का आनंद सुना और फीडबैक लिया @radio.fm जी @radio.fm बहुत शुक्रिया तो कल मिलते हैं।
इससे पहले कि कोई मुझे फूंक मारे मुझे निकल जाना चाहिए भाई। हाँ वो होते ना जो नीम कीम क्वैक्स, पुराने से पुरानी ख्वाहिश, पुराने से पुराना जख्म, पुराने से पुराना, मेरे पास पुराने से पुराना वायरस मौजूद है, ऐसा क्रोनिक वायरस है उससे एंटी वायरस ऐजाद ही नहीं हो अभी तक, आया ही नहीं मार्केट में भाई, ऐसे खुफिया वायरस है। तो छोड़ के जाऊंगा आपको राजे उल्फत के साथ आपकी फरमाइश पे। मेरा नाम है सर, ओ दिल को दे, ओ राजा
ओके टाइम टू से गुड बाय. अपना ख्याल रखिएगा. मेरा नाम है अजय. इस साल आपसे फिर मिलते. कितना प्यार लग गया. एक दो को करना पड़ता है. बाकी सब ठीक है. सब कंट्रोल में. सब काबू में. बेहतरीन. आहा कर मिलता जी. अल्लाह हाफिज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.